नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के चौथे मुकाबले के बारे में, जहां पर आज दो युवा भारतीय कप्तानों के बीच बड़ी जंग थी। जी हां, राजस्थान के संजू सैमसन और पंजाब के केएल राहुल के टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। दोस्तों संजू सैमसन पहली बार कप्तानी कर रहे थे तो केएल राहुल पिछले साल पंजाब की कप्तानी कर चुके थे, तो ऐसे में अनुभव राहुल के पास थी। लेकिन युवा जोश से भरे संजू सैमसन ने केएल राहुल के अनुभव को कड़ी टक्कर दी और इसलिए यह मैच बड़ा ही रोमांचक बन गया। दोस्तों आपको बताएंगे इस मैच की पूरी खबर, कैसे संजू सैमसन ने केएल राहुल को कड़ी टक्कर देते हुए हारे हुए मैच को जीतने की कोशिश की, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको राजस्थान और पंजाब के बीच खेला गया मैच अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज आईपीएल के चौथे सीजन के चौथे मुकाबले में पूर्व चैंपियन राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स आमने सामने थे। दोनों ही टीमों के कप्तान भारतीय हैं, तो ऐसे में मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। दोस्तों जहां पंजाब की कप्तानी लोकेश राहुल कर रहे हैं, तो वहीं राजस्थान की कमान पहली बार संजू सैमसन संभाल रहे हैं तो ऐसे में पहली बार कप्तानी कर रहे संजू सैमसन ने अपने पहले मैच में टॉस के बाद बन गए। जी हाँ दोस्तों, आज के मैच में संजू सैमसन ने टॉस जीता और सभी टीमों की तरह उन्होंने भी पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, ताकि दूसरी पारी में गिरते ओवर्स का फायदा उठाया जा सके। तो ऐसे में टॉस हारकर पंजाब की तरफ से केएल राहुल और मयंक अग्रवाल पारी की शुरुआत करने आए। राहुल और मयंक पिछले सीजन आईपीएल में पंजाब को कई बार अच्छी शुरुआत दिलाई थी, इसलिए टीम ने एक बार फिर इन्हें ओपनिंग जोड़ी को फिर से एक अच्छी शुरुआत का जिम्मा सौंपा। लेकिन राजस्थान के आगे आज ये जोड़ी फेल हो गई। संजू सैमसन ने इस जोड़ी को अपने लिए खतरनाक बनने नहीं दिया और जब 22 रन ही ये दोनों जोड़ पाए थे, तब अपना पहला मैच खेल रहे चेतन सकारिया ने मयंक अग्रवाल को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा के राजस्थान को पहली सफलता दिलाई। दोस्तों पहला विकेट जल्द लेने के बाद संजू सैमसन का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कहीं न कहीं उनके गेंदबाजों ने सही साबित करने की कोशिश की। लेकिन पहली बार कप्तानी कर रहे संजू सैमसन की परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि मिस्टर यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल, निकोलस पूरन और टीम इंडिया खतरनाक बल्लेबाज के राहुल जैसे बल्लेबाजों से भी अपने गेंदबाजों को बचाना था। मयंक के आउट होने के बाद मिस्टर यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल मैदान पर आए और आते ही छा गए। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए गेल जाने जाते हैं, मैदान पर आते ही गेल ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया और खड़े खड़े छक्के लगाते हुए पंजाब की रन गति को तेजी से दौड़ा दिया। जब 28 गेंदों में ही 40 रन ठोक दिए, तो अपने गेंदबाजों को पीटता देख संजू सैमसन ने बड़ा साहसिक फैसला लिया। जब रियान पराग को गेंदबाजी सौंपी तो ये संजू का ये पैतरा चल गया और गेल उनके जाल में फंस गए। बड़ा शॉट खेलने गए क्रिस गेल बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। गेल के आउट होने के बाद राजस्थान को बड़ी राहत मिली, लेकिन पंजाब ने सबको चौंकाते हुए राजस्थान को हैरान कर दिया जब निकोलस पूरन की जगह दीपक हुड्डा को पहले बल्लेबाजी के लिए भेज दिया। दोस्तों उस समय किसी को रास नहीं आ रहा था, कमेंटेटर तक पंजाब के इस फैसले पर नाराजगी जताई। सबका मानना था कि निकोलस पूरन को बल्लेबाजी के लिए भेजना था, लेकिन पंजाब ने कुछ अलग ही दाव लगाया और दीपक हुड्डा को राजस्थान की हवा निकालने के लिए भेजी। तो दोस्तों उस वक्त मैदान पर ऐसा तूफान आया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। गलत फैसला माने जा रहे दीपक हुड्डा ने ऐसी तबाही मचाई कि संजू सैमसन समेत पूरा राजस्थान उड़ गया। नए कप्तान संजू को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस तूफान को रोके कैसे, क्योंकि दोस्तों दीपक तो गेल के भी बाप निकले जब उन्होंने महज 20 गेंदों में 6 छक्कों की मदद से 50 रन ठोक दिए। दोस्तों 250 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे दीपक हुड्डा ने राजस्थान के सारे गेम प्लान को बिगाड़ दिया और पंजाब की तो बल्ले बल्ले हो गई। उनकी रन गति एक्सप्रेस ट्रेन की भांति दौड़ रही थी। दोस्तों पंजाब की खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, मात्र 45 गेंदों में ही राहुल और हुड्डा ने 100 रनों की साझेदारी कर डाली। हालांकि दीपक हुड्डा और तेजी से रन बनाने के चक्कर में कैच आउट हो गए, लेकिन जाते जाते वह राजस्थान के गेंदबाजों की कुटाई करके उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ चुके थे। दीपक हुड्डा ने मात्र 28 गेंदों में ही 64 रन ठोके और इसी वजह से पंजाब का स्कोर 17 ओवर में ही 200 के पार पहुंच गया। दोस्तों एक छोर पर दीपक हुड्डा के छक्कों से राजस्थान के गेंदबाजों के छक्के छूट गए थे, तो दूसरे छोर पर कप्तान केएल राहुल ने भी 50 गेंदों में 51 रन ठोक दिए और उन्होंने भी अपनी इस पारी में 5 गगनचुंबी छक्के जड़कर संजू सैमसन को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि राहुल सदर से चूक गए, लेकिन उनकी टीम 20 ओवर में 221 रनों का बड़ा टारगेट राजस्थान के सामने खड़ा कर दी, जो अपने आप में ही एक बड़ा पहाड़ है और राजस्थान को इससे पार पाना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें एक ताबड़तोड़ शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजस्थान को इतनी खराब शुरुआत की उम्मीद नहीं थी। उनके खतरनाक बल्लेबाज बेन स्टोक पारी के पहले ओवर में ही मोहम्मद शमी के शिकार बन गए। राजस्थान के रनों का खाता भी नहीं खुला था कि विकेट का खाता खुल गया, बेन स्टोक बिना रन बनाए आउट हो गए।
दोस्तों राजस्थान इस बड़े झटके से उबर पाती कि दूसरे ओपनर मनन वोहरा भी 8 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके वजह से 25 रन पर ही राजस्थान ने अपने दोनों ओपनर खो दिए। अब दोस्तों खराब शुरुआत के बाद इस मुश्किल घड़ी से राजस्थान को निकालने की पूरी जिम्मेदारी संजू सैमसन और जोस बटलर पर थी। दोस्तों राजस्थान को अपने विकेट भी बचाने थे और तेजी से रन भी बनाना था, तो ऐसे में जोस बटलर ने आती शुरुआत के 4 गेंदों में 4 चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए कि वे तेजी से रन बनाने वाले हैं, और 12 गेंदों में 25 रन बनाकर अपने इरादे को सही भी साबित कर रहे थे, लेकिन वे भी बोल्ड हो गए और बड़ी पारी खेलने से चूक गए। दोस्तों राजस्थान रन तो तेजी से बना रहा था, लेकिन अपने विकेट को बचा नहीं पा रहा था। 70 रन पर अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे, जिसके वजह से इतने बड़े लक्ष्य को चेस करना राजस्थान के लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन संजू सैमसन एक छोर पर लड़ रहे थे और पंजाब के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, और सिर्फ 33 गेंदों में ही अपने अर्धशतक पूरे कर लिए। दोस्तों संजू सैमसन ने कप्तानी पारी खेलते हुए एक छोर पर रन बना रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर उस तेजी से रन नहीं बन रहे थे जिसके राजस्थान को जरूरत थी। राजस्थान को भी मिडिल के ओवर में ठीक उसी तरह की पारी की जरूरत थी जैसे दीपक हुड्डा ने पंजाब के लिए खेली थी, लेकिन अहम मौके पर राजस्थान विकेट खोती गई, जिसके वजह से रन रेट बढ़ता चला गया और राजस्थान को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उम्मीद है संजू आने वाले मैचों में और भी अच्छा करेंगे और उनकी टीम मैच जीतने में सफल होगी। दोस्तों आज पंजाब के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी और साथ में केएल राहुल की कप्तानी की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने सही फैसला लेते हुए अपने गेंदबाजों का सही उपयोग किया, जिसकी वजह से राजस्थान इस मैच में फंस गई और टॉस जीतकर भी इस मैच को हार गई।